गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं। आई हैव 3 आवर्स बिफोर द 110 मीटर हर्डल्स। कल रात को सोते सोते 1 बज गए थे, इट वॉज 1 o'clock, तो स्लेप फॉर अबाउट 4 आवर्स। स्लेप्ट तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं यहाँ वहाँ पलटियाँ खा रहा था 4 घंटे के लिए। थॉट्स थे मन में, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेरी नेचुरल, वेरी ह्यूमन। तो बस अभी सबको शेक ऑफ करके फटाफट से रेडी होके आधे पौने घंटे में बस पकड़ के वेन्यू जाना है। वी हैड अ रियली गुड डे यस्टरडे, जॉब्स ओनली हाफ फिनिश्ड। सो आज कुछ टारगेट्स हैं मेरे मन में, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू गो आउट एंड कॉन्कर। सो लेट्स गो। कल रात को पट्टी बांध के भागना पड़ा था क्योंकि क्रैम्प आया था और बहुत शोर था। फिर लाइक आई सेड, बाय द टाइम आई वेंट टू बेड इट वाज ऑलरेडी 1, तो उसके बीच में हमने मसाज करके उसे फ्लश आउट करने की कोशिश की, थोड़ा सा नीडल किया, थोड़ा सा आइस भी लगाया। सो वी डिड एवरीथिंग वी कुड। अभी यू नो ट्राइंग टू लूजन इट अप बिफोर द रेस, तो थोड़ा सा फिर से स्ट्रैप करके एक बार हर्डल्स की रेस निकल जाएगी, तो देन वील हैव सम टाइम फॉर इट टू यू नो ईज बैक इन टू इट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। Very happy with my performance. It's been a fight. You know, the feeling of pain is very it's difficult to process, especially जब आपके इतने साल की मेहनत और सब आपके सामने होता है लाइन में. So I was ready and just you know hurdle भागते हुए focus यही था कि complete करनी है race को, क्योंकि वो hamstring मेरे को warm up में feel हो रहा था. बिल्कुल अच्छी नहीं गई hurdle race, मैंने हर hurdle को hit किया, but I'm glad कि मैंने hurdle finish की. So after I finished the hurdle, I think it was really important for me कि मैं discus अच्छा करूँ. That's another event where you know I was expecting a baby. I knew that a personal best was there,
डिस्कस एक बहुत ही स्लो रिलैक्स्ड मोशन है, जहाँ भी आप रश करने की या यैंक करने की थ्रो को कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपकी थ्रो ख़राब होनी ही होनी है। तो बिगेस्ट ट्रांजिशन फॉर मी वाज जस्ट टू मेक श्योर दैट आई वाज स्लो स्मूथ आउट ऑफ द बैक एंड एक विप आए मेरे उसमें। पोल वॉल्ट एक इवेंट है जिसके साथ मेरा बहुत ही एक लव हेट्स रिलेशनशिप है, हर टिकैथलीट का होता है बट कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी हैं, देखी हैं और एनीबडी दैट आई टॉक टू सबके मन में यही सवाल होता है भाई डिस्कस पोल वॉल्ट और जैवलिन में पीछे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो रहा मैं पीछे क्यों। तो वो एक फीलिंग के साथ मैं आया था पोल वॉल्ट में एंड गेटिंग अ पर्सनल बेस्ट देयर वाज ह्यूज, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिली और वहाँ पे एक ऐसा इमोशन रिलीज हुआ कि हाँ यार अब हम वी आर इन द मिक्स, छोड़ेंगे नहीं तो वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे विलेज में जाके थोड़ा सा रेस्ट करके, ये देखो विलेज में जाके जैवलिन से पहले और फिर 1500 की तैयारी करेंगे बट मेन नेक्स्ट इवेंट इज जैवलिन और ये अपना भाई आया यहाँ पे। ओए back in the village guys, don't feel like eating at all, just want to throw up, puke, but khana to padega kyunki yehi fuel hai jo 1500 bagayega aur javelin mein throw lagwayega, so really force feeding myself here. फाइनल स्ट्रेच, कॉफ़ी लेके मैं निकल पड़ा हूँ वापस आखिरी बार होपफुली ट्रैक में जाने के लिए, हेलो आखिरी बार ट्रैक में जाने के लिए, तो बस यही है जो है करेंगे लास्ट टू इवेंट्स, दैट्स इट, जो रिकवरी होनी थी हो गई, जो माइंडसेट बनाना था बना लिया, जो नींद होनी थी होली, अब धक्के में चलेगी गाड़ी और अब हम जी जान लगाएंगे आखिरी के दो इवेंटों में, मिलते हैं फिर उस पार। तो दो दोस्त जिनसे मैं थोड़ी टिप्स ले सकूं वो मेरे से टकरा चुके हैं भाई, दुनिया ये पूछती रहती है कि भाई टिप्स दे दो टिप्स दे दो, नीरज से तुमने टिप्स लिए क्या टिप्स मेरे को देने वाले हो अभी जैवलिन के लिए, मुझे बताओ। मैं दूंगा कि अपने ऊपर बिलीव करके मारना क्योंकि एक दिन में कोई टेक्निक कोई चीज चेंज नहीं होगी, तो जैसे फेंकता वैसे फेंकना, अपना 100% जोर लगाना, सब बढ़िया रहेगा। सुन लिया टिप्स वालों ने, यही टिप्स है, ये मुझे पता था यही टिप्स आएंगी, तो इसीलिए मैं टिप्स मैं दूंगा इसके बाद जब लंबे टाइम की पेरिस की तैयारी करेगा जब चलो जैवलिन तो फिर भी निकल जाएगा। अजय भाई 1500, अजय भाई आप बताओ 1500 में कोई टिप्स आप भी दे दो कुछ, क्या टिप्स होती है? कुछ नहीं, अपना पकड़ के जाना है, क्या पकड़ के पकड़ के जाना है, उससे डिस्टेंस ज्यादा नहीं बनना है बस। चलो ये मेरा भी प्लान था, डिस्टेंस बनेगा तो पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। तेजस्विन शंकर डीकैथलॉन में अगले साल एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप में अगर हम खेलेंगे तो क्या होगा, खेलते खेलते मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेडल भी आ जाएगा, सो और तो बहुत खुशी हुई मुझे कंपीट करके। मुझे जैवलिन फेंकने से पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिला अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का, सो राइट बिफोर गोइंग टू जैवलिन पोल वॉल्ट से शायद पोल वॉल्ट ख़त्म होने के बाद जब मैं रूम में गया था, सो आई रियलाइज्ड कि मेरा जो शोल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो चुका था फ्रॉम प्लांटिंग, और दो तीन बार जब मैंने पोल प्लांट किया था तो आई वॉज वे अंडर, सो लॉट ऑफ द टेंशन गॉट यू नो, तो एक तरीके से मेरे आँख के सामने पूरा मुझे अपना डिकैथलॉन दिख गया कि यार इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आके अगर मैं चोक कर जाता हूँ तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा सब चीज़ का, यू नो आई जस्ट वॉर्म्ड अप एंड जस्ट वेंट फॉर इट। तो पहली थ्रो मेरी 50 मीटर्स के ऊपर गई, विच आई थिंक दैट वॉज इनफ फॉर वॉट आई हैड पुट फॉर माई सेल्फ, आई हैड पुट 52 मीटर्स, उतने की प्रैक्टिस थी और उतना मैंने 50 मीटर्स पहले थ्रो में फेंक दिया, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। स्ट्रैटेजी बिफोर द 1500 वॉज टू मेक श्योर दैट आई डोंट क्रैम्प मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और दूसरा जो मेडल हाथ में है उसको हाथ से जाने नहीं देना है, सो यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो फॉर गोल्ड, बट देन चाइनीज एथलीट ने इतनी अच्छी लीड बना ली थी कि एट दैट पॉइंट टू चेस हिज lead down it would have meant that I run a really fast 1500 or I try and stick
विथ यूमा द जापानीज गाय एंड मेक श्योर कि सिल्वर गारंटी हो जाए, क्योंकि जितना भी हम बोलें सारी चीज़ें परफॉर्मेंस ये वो, लेकिन एशियन गेम्स जैसे कॉम्पिटिशन में मेडल बहुत मैटर करता है. सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट माई सिल्वर डिडंट स्लिप टू अ ब्रॉन्ज. सो द वेरी नेचुरल स्ट्रेटजी फॉर मी वॉज टू जस्ट स्टिक विथ यूमा एंड मेक श्योर दैट आई कम्प्लीट द रेस राइट बिहाइंड हिम एंड नॉट लेट हिम रन अवे विद द सिल्वर मेडल. सो विच आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू डू. उस प्रोसेस में आई रैन माई स्लोएस्ट 1500 रेस एवर, 448. आई नेवर रन 448 इन माई लाइफ, बट समटाइम्स आई फील लाइक द स्लोएस्ट रेसेस गेट द मोस्ट आउट ऑफ यू, डिमांड द मोस्ट एफर्ट. तो दिस वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ माई हार्डेस्ट 1500 रेसेस, जस्ट स्टिकिंग देयर एंड मेकिंग, आई मीन जस्ट आई फेल्ट लाइक आई वॉज गोना क्रैम्प एनी मिनट. मेरे काफ दोनों भरे हुए थे, बट यू नो आई वॉज फाइनली एबल टू गेट थ्रू. एंड स्पेशल थैंक्स, स्पेशल कूडोज टू मयूर सर, मयूर थक्कर. अभी आप शायद देख रहे होंगे सर, बट मैं आपके सामने तो बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ. जब आपने यहाँ पे मेरी, आप दो दिन से आप भी नहीं सोए हो, चार दिन से, और मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हो और इतनी मेरी हेल्प कर रहे हो यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो ही नहीं सकती कि ये जो मेडल है ये आपका भी उतना ही है जितना आप भी उतना डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने वो एफर्ट डाले. बट नॉट जस्ट मयूर सर, देयर आर सो मेनी पीपल अलॉन्ग द वे दैट हेल्प मी अचीव व्हाट आई हैव अचीव टुडे. There's just so many names that I can't count here. So many people that helped at a point where nobody was... at a point where even I doubted myself, kahin na kahin mujhe back karna aur decision dena. Har jagah koi na koi ek angel meri life mein aaya jisne help ki hai mujhe choti choti cheezon ko pura karne ke liye, jahan mujhe laga tha ki yahan dead end hai, lekin wahan pe koi na koi ek rasta nikal gaya hai. To bahut hi zyada grateful hoon, aur ek tarike se dekha jaye to ye medal main un sab logon ko dedicate karna chahunga. And I think that's it. I think this is enough enough to wrap the story of my first ever decathlon competition that I am video logging while I'm competing. So I think I enjoyed the experience. At least I'll have something to look back on and see how far we've come in the last 2-2.5 days. See you until next time. Hi everybody, just woke up like this. कल भी नींद नहीं आई, लेकिन मज़ा बहुत आया, मज़ा आ गया. चलो आज के लिए इतना ही. See you guys next time.